हेलो फ्रेंड, आज की रेसिपी में हम लेकर आए हैं अब तक की सबसे इजी वाली सैंडविच की रेसिपी, क्योंकि इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और लेकिन इसका टेस्ट इतना कमाल का है कि आप सारे सैंडविच खाना भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले गाजर और शिमला मिर्च ले लिया है। शिमला मिर्च को अच्छे से हमने काट लिया है छोटे छोटे पीसेज में, और गाजर को हम यहाँ पे ग्रेट कर ले रहे हैं। तो हमारे दो मुख्य सामान यही हैं, गाजर और शिमला मिर्च। इन दोनों को एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब हमारा जो तीसरा सामान है वो है हमारा मेयोनीज। तो यहाँ पे मैंने वेज मेयोनीज इस्तेमाल किया है हेलमन का। आप कोई भी ब्रांड की मेयोनीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और यहाँ पे मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा स्पाइसी होने के लिए। तो आप चाहे इसे स्किप कर सकते हैं, बिना इसके भी बना सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी, लाजवाब और अच्छा होता है। और इसे बनाना मात्र आपको 5 मिनट के समय की ज़रूरत है। आप इसे आराम से बना सकते हैं, इसमें हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका टेस्ट जो है वो 5 स्टार होटल की सैंडविच जो होती है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है टोमेटो केचप, ये चिली टोमेटो केचप है। आप चाहे तो सिंपली टोमेटो केचप ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो घर में रेगुलर ब्रेड आती है ना, मैंने वही ब्रेड लिया है, कोई स्पेशल ब्रेड नहीं लिया है। और यहाँ पर जो अमूल का मक्खन आता है बटर, वो मैंने लिया है। और इसे मैं दोनों साइड पे ब्रेड के लगा दे रही हूँ। आपको अगर थोड़ा क्रिस्पी चाहिए तो आप इस पर घी लगा सकते हैं बटर के जगह। तो अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैं ये ग्रिलर यूज़ कर रही हूँ, सैंडविच मेकर वाला। तो उसे मैंने गर्म करने के लिए, प्री हीट करने के लिए रख दिया है। तब तक इधर मैं अपना जो मेयोनीज का सैंडविच का मिक्सर है उसे ब्रेड पे हम अच्छे से फैला लेंगे, और एक साइड में हम ये केचप लगा देंगे और उसके ऊपर से हम ये इस तरीके से सैंडविच को कवर कर देंगे ब्रेड से। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दो बना लिया है। आप इसे डायरेक्ट चाहे तो तवे पर मक्खन या घी लगाकर इसे सेक सकते हैं। मैं यहाँ पर ये सैंडविच मेकर यूज कर रही हूँ, इसे मैंने गर्म कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़े ऑयल से ग्रीसिंग कर दी हूँ। अब मैं यहाँ पर ये सैंडविच रखूँगी और इसे बंद करूँगी। तो ये 3-4 मिनट का समय लेगा, हमारा सैंडविच क्रिस्पी सैंडविच बन के तैयार होगा। यहाँ पे 3-4 मिनट हो चुके हैं और ग्रीन बटन जैसे ऑन हुआ तो मैंने, यानी मेरा सैंडविच अब बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ चिमटे की मदद से। तो क्या है कि इसमें थोड़ा बनाने पे सैंडविच ज़्यादा क्रिस्पी होता है। आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान और ईजी रेसिपी है। मैं अगला बना ले रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये सैंडविच बना के अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मतलब अमेजिंग टेस्ट होता है इस सैंडविच का, बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को इसे टिफिन में दे सकते हैं, कोई गेस्ट आए तो उनको भी आप ब्रेकफास्ट के रूप में देख सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट की ज़रूरत होती है, 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। आप इसे तवे पर सेक लीजिए या सैंडविच मेकर जो गैस पर रख के बनाया जाता है उससे भी आप बना सकते हैं।